दोस्तों, अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच खेली जा रही रोड सेफ्टी वनडे सीरीज का आगाज भारत ने जीत के साथ किया, तो वहीं अगला मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच में होगा। और आखिरकार ये मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, तो वहीं किसका है पलड़ा भारी और भारत की क्या रहेगी प्लेइंग 11, ये सब तो आपको हम वीडियो में पूरा जरूर बताएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतर भारतीय क्रिकेटर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में दुनिया के सबसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो अपना हाथ आजमाते हुए इस टूर्नामेंट में लोगों के सामने मिसाल पेश करते हुए खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम को बुरी तरीके से पटकनी देते हुए 61 रन से जीत लिया, तो वहीं अगला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाला है। जी हां दोस्तों, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना के प्रति लोगों को क्रिकेट के नजरिए से जागरूक करना है। और ये टूर्नामेंट पहली बार नहीं खेला जा रहा है, बल्कि ये टूर्नामेंट साल 2020 में प्रारंभ हो चुका था, जिसका पहला संस्करण खेला जा चुका है। अब ये इसका दूसरा संस्करण प्रारंभ हो चुका है। जहां पिछली बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की विजेता टीम भारत की टीम यानी कि इंडिया लेजेंड रही थी, और जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करी थी, और इस बार भी इंडिया लेजेंड काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट 10 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा, और इस बीच सभी मुकाबले भारत की धरती पर खेले जाएंगे। और इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जहां भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीम मौजूद है। तो वहीं इन 8 टीमों के बीच कुल 23 मुकाबले खेले जाएंगे और इसका फाइनल मुकाबला 1 अक्टूबर को होगा। और ये मुकाबले भारत के 4 स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिसमें कानपुर, रायपुर, देहरादून और इंदौर शामिल है। तो वहीं रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का पहला मुकाबला 10 सितंबर को इंडिया लीजेंड बनाम साउथ अफ्रीका लीजेंड के बीच में खेला गया, जिसमें भारत की टीम ने 61 रन से जीत दर्ज करी थी। और अब भारत का अगला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ होगा, जिसमें भारत की कप्तानी सचिन तेंदुलकर तो वहीं वेस्टइंडीज की कप्तानी ब्रायन लारा के पास होगी। जहां दोनों टीमों के बीच आंकड़ों के बारे में बात करें तो 2 बार आमना सामना हुआ है, जहां दोनों बार भारत को जीत मिली है, जिसमें पहली बार अपने मुकाबले में 7 विकेट से भारत को जीत मिली थी, तो वहीं सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंचने के बाद सेमीफाइनल के मुकाबले में वेस्टइंडीज को 12 रन से हराकर उनका पीछे कर दिया था और फाइनल में भारत की एंट्री हुई थी। तो दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम में मौसम और मैदान की बात करें तो यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 155 रनों का होता है लगभग, और यहां पावर प्ले का औसत स्कोर 42 रन का होता है। और इस स्टेडियम पर कुल 9 मुकाबले T20 के रूप में खेले गए हैं, जहां 7 मुकाबले पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वहीं 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो वहीं भारत की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा दिखाई देंगे, तो वहीं मध्यम क्रम में सुरेश रैना, युवराज सिंह, स्टुअर्ट बिन्नी और यूसुफ पठान खेलते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा गेंदबाज के तौर पर राहुल शर्मा, मुनाफ पटेल, प्रज्ञान ओझा, बाला सुब्रमण्यम और इरफान पठान खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का ये मुकाबला इंडिया लीजेंड वर्सेज वेस्टइंडीज लीजेंड के बीच में 14 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण आप टीवी पर रिश्ते सिनेप्लेक्स कलर चैनल पर देख सकते हैं। तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में इसका आनंद आप वूट और जियो टीवी ऐप से लाइव देखकर उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया लीजेंड वेस्टइंडीज को अपने मुकाबले में हरा पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।